चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। टोमेटो प्यूरी आमतौर पर ग्रेवी वाली वेजिटेबल सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसे टोमेटो प्यूरी को लंबे समय तक क्यूब्स के शेप में डीप फ्रीजर में भी रखा जा सकता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत नॉर्मल करके सब्जियों में ग्रेवी बनाने के लिए किया जाता है। इसका बनाना अत्यंत आसान है। इसको बनाने की प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है। ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए अधिकतर टमाटर प्यूरी की ज़रूरत होती है। टमाटर प्यूरी घर पर आसानी से बनाई जा सकती है। इसकी सामग्री इस प्रकार है। लाल टमाटर 1.5 किलो, नमक 1 चम्मच, रिफाइंड ऑयल 1 बड़ा चम्मच। अब हम टमाटर को धोकर काटेंगे। टमाटर को इस तरह से 4 भाग में कर लेंगे। इसका मोटा हिस्सा निकाल देंगे। इस तरह से टमाटर काट लेंगे। टमाटर कट चुके हैं। अब हम कुकर में उबाल लेंगे। कुकर में डाल देंगे, इसको थोड़ा मैश कर देंगे जिसका जूस निकल जाए थोड़ा। और 1-2 चम्मच पानी डालेंगे। कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे पीसेंगे। टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें पीसेंगे। अब इसको बड़ी चलनी में छान लेंगे। टमाटर छन चुका है, अब हम इसे पकाएंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब टमाटर का जूस डाल देंगे। इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। टमाटर काफी गाढ़े हो चुके हैं। जब ये गाढ़े होने लगती है तो इसमें छींटे आने लगते हैं, तो इसमें अब नमक डाल देंगे। आधा मिनट चलाने के बाद में इसको हम गैस बंद कर देंगे। अब गैस को बंद कर देंगे। प्यूरी बन चुकी है। इसे फ्रिज में रखकर 5-6 दिन तक यूज कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा दिन रखना है तो प्यूरी को डीप फ्रीजर में ट्रे में रखेंगे। इस तरह से ट्रे ले लेंगे और ट्रे में डालकर इस तरह से ट्रे में डालकर भी रख सकते हैं और छोटी डिब्बियों में भी रख सकते हैं। ये 5-6 महीने तक चल जाती है। इस तरह से क्यूब बन जाते हैं, ये खराब नहीं होते। जिस टाइम पर टमाटर सस्ते होते हैं उस टाइम पर प्यूरी बनाकर रख सकते हैं, और इस जब महंगे होते हैं उस टाइम पर प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए प्यूरी के क्यूब को 3-4 घंटे पहले निकाल कर नॉर्मल कर लें, या निकाल कर माइक्रोवेव में भी रख कर नॉर्मल किए जा सकते हैं, फिर सब्जी बनाएं। अब इसको हम जमने के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे। क्यूब जमने के बाद इस तरह की थैली लेकर जबकि इस तरह से रख सकते हैं। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।